तो बच्चों बच्चों हमारे पास एक गर्मा गर्म ताजा ताजा एक इक्वेशन आया है, देख रहे हो? तुम बोलोगे हाँ। अगर इसको हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो तुम बोलोगे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन सॉरी 1/v, कर दो ना पहले ही 1/v वेव का स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यही होगा ना? तुम बोलोगे हाँ यही होगा। इस इक्वेशन को आप चाहो तो याद रख सकते हो। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन। कोई चीज वेव इक्वेशन है या नहीं, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन, वो इसी से पता चलेगा। अगर उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिए और ये आंसर आ गया, एक बार एक्स एक बार टी से, तो वो वेव इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। सिंपल बात, बोलो कोई दिक्कत? अब इसके लिए क्या है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना ममता? क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? उसके लिए डिफरेंशिएशन नहीं नाम का कोई चीज होता है मार्केट में, क्यों मास्टर साहब, सही बोल रहे हैं कि नहीं? अब एक सवाल आया है, उस सवाल को आपको लिखना चाहिए। लिखोगे? लिखो। अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, प्लेन का स्पेलिंग अलग होगा, PLANE होगा, ठीक है? सो ट्राई टू रेक्टिफाई इट। अरे यार हमेशा गड़बड़ हो जाता। ऑप्शंस लिखते हैं, झटपट बताना। कितने लोगों को लगता है इस सवाल के लिए पेन उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा सर, फिर सॉल्व करो ना, क्यों बैठी हो? क्या लड्डू बट रहा है क्या यहाँ पे? सॉल्व नहीं करो भाई, सॉल्व करो। ज्यादा करेक्ट आंसर है क्या सर? मुझे नहीं पता आंसर एक से ज्यादा है या दो से है, तुम तो बस सॉल्व करो। मैं दूसरा सवाल देता हूँ, आंसर आ चुका होगा मुझे मालूम है, क्योंकि इसका आंसर आ ही हाँ गया हो। हाँ रुको लिखने दो, आंसर आ गया। ऐसा अरे भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा जाएगा, इतना सारा करवा दिए फिर भी नहीं पता चल रहा है। हे भगवान, मुझे ये दिख रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाने वाला, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब मैं नहीं बताने वाला हूं कि क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो कर चुके हैं। ये किस में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसका ये किस में जा रहा है, नीचे वाला किस में जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव ओमेगा टी, साइन को कॉमन ले लिया ना, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, साइन ओमेगा टी। क्यों, लेकिन इक्वेशन ऐसा तो नहीं होता है, इक्वेशन ऐसा तो होता तो नहीं, तो साइन को ऐसे लिख ही नहीं सकते ना भाई, साइन को ऐसे थोड़ी लिख सकते, ओमेगा टी प्लस वो तो पूरा एक साथ थीटा होता है, थीटा को थोड़ी तोड़ तोड़ सकते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हमसे पूछा ही नहीं है, ये है ही नहीं आंसर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है?
योगेश, इसको सॉल्व करने में इतना समय, दिस इज बहुत आप दुख। सवाल तो लिखने वाले थे ना, इसलिए रुक गया था। ओ हाँ, एक सवाल और लिखें। ये हमारे अरे सवाल लिख रहा हूँ। ये बहुत प्यारा सवाल है, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत प्यारा, सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये है बहुत प्यारा सवाल, इसका जवाब दो। इस सवाल में आंख खोल के क्वेश्चन पढ़ना है ना? आंख बंद करके क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर गलत आ जाएगा, सीधा गलत आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल है बहुत ही प्यारा। हम तेरे बिन रह नहीं सकते। तुम्हारा स्थिति बहुत पुअर है ममता, तुम रिवीजन नहीं करती हो अच्छे से चीजों का। मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो आंसर बता रही हूँ ना इस क्लास में, तो नहीं इस लेसन फिर में। भी तुम्हारा स्थिति बहुत डबाडोल है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सर तुम जो भी आंसर बता रही हो गलत ही तो बता रही हो। सभी सही निकले हैं, एक भी गलत नहीं निकला। अभी पता चल जाएगा, इसके आंसर दो तो। हाँ बताओ दोस्तों जल्दी, ये खत्म करोगे आगे बढ़ेंगे। रोनाली भी आंसर नहीं दे रही आजकल। रोनाली आंसर दो भाई। माधुरी माँ मंडल तुम भी आंसर दो, काश वो पहले आ चुकी होती तो उसको भी ये पता चल जाता। कैसे पता करते हैं? सर जल्दी डी बताओ। डी डी बी सर, डी। सभी लोगों का डी आया, वाह अद्भुत बी अद्भुत, सर, बहुत बी प्यारा। बी बी फॉर डी आया। बॉल, बी। अच्छा बी फॉर बंदर। अच्छा ये वाला क्या है, यस सर, ऊपर वाला नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा योगेश दादा? ये तो पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें है? वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बोलो मैं गलत लिख रहा हूं क्या? ये किसमें है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये किसमें है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये किसमें है? नेगेटिव वाई एक्सिस। अरे इसमें तो दो दो नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है योगेश दादा, ये तो गजब हो गया। ट्रांसफर चाहिए ना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी क्लेवर। ये कौन सा वेव है योगेश? डी वाला, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेरी गुड, क्योंकि पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव है ना? दोनों वाई वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है भैया लॉन्गिट्यूडनल। और पूछा हमसे क्या है? ट्रांसवर्स। वेरी गुड। अब इसी सब चीज को बच्चे को समझ नहीं आता, देखो इजी इजी है कि नहीं। और पता है किसी से पूछना वो बोलेंगे अरे वेव तो बहुत कठिन होता है भाई, वेव बहुत कठिन, हमसे ना हो पाएगा। ये आंसर चाहिए, इजी है कि बहुत इजी है? सच बताओ, बहुत इजी है, हलवा है ये तो, खिला रहे हैं तुम लोग, खा रहे हो चम्मच से। और एक सवाल लिखें। द वेव फंक्शन ऑफ अ पल्स इज गिवन बाय, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ पल्स इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ पल्स इज। अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पल्स क्या होता है ना? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, वो जो रस्सी को झटका देते हो ना दोस्तों, अरे झटका देते हो ना, जहां से तरंगे क्रिएट होती है, उसको हम लोग कहते हैं यस पल्स। उसको क्या कहते हैं? प्लस नहीं कहते हैं, पल्स कहते हैं। प्लस बोल रही हो, कौन तुम बोल रहे हो, गजब चोमो इंसान हो भाई। प्लस पल्स मैंने प्लस में बोला, पल्स ही बोला, फ्रेंचाइजी नहीं, तो तुमने गलत बोला फिर। पर पल्स ना जाए। गुड, वो इसको लिखते चॉकलेट हैं वाला क्या?
हाँ पल्स। सर वो क्या कुछ नहीं, अब सही हो गया। क्या तकलीफ है तुमको? थोड़े देर के बाद वो नीचे वाला छुप जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो। ऐसा तुम लोग लिखो ना भैया, तुम लोग लिखो ना, चाहे उछल कूद लिख मचा रहे हो। उछल कूद क्यों मचा रहे हो? चलो, तू मेरा जानू है। ऑप्शंस दे दे। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शंस ले लो। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है या वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है? वेलोसिटी ऑफ वेव का बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाए थे, बहुत। योगेश दादा हाँ देख लो कॉपी पलट के। ओमेगा अपॉन के, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π/T। के का वैल्यू क्या होता है? 2π/लैम्डा। मैंने ये भी बताया था कि लैम्डा ऊपर चला जाएगा और टी शायद नीचे, T/लैम्डा, λ/T आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला था, ω/k, λ/T, कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ लैम्डा, ऐसा भी कुछ लिखवाए थे, है ना? ना बताओ बताइए बताइए। तो ऑप्शन इसीलिए पता है मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा, क्या ये एक वेव इक्वेशन है? क्या ये एक वेव इक्वेशन है? तो अगर क्वेश्चन दिया और उसमें ऑप्शन में 0 कहीं नहीं है, तो ये तो देखना ही नहीं है कि वेव इक्वेशन है। योगेश दादा करेक्ट बात बोल रहे हैं कि नहीं? हिंट समझते जाओ एग्जाम के लिए। अगर अच्छा बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ ने, ठीक है आंसर गलत है, बट फिर भी सुन लो। अगर ये ऑप्शन में दे दिया है कि कहीं 0 नहीं है, तो वेव इक्वेशन तो होगा ही। वैसे वेव इक्वेशन पता करने के लिए या तो आप डिफ्रेंशिएट करो, या तो देखो फंक्शन ऑफ AX+BT बन रहा है या नहीं। क्या यहाँ पे फंक्शन AX+BT है? तो जवाब है यस। बी टी के साथ है कॉफिशियंट, मुझे 6 दिख रहा है, और एक्स के साथ मुझे कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला में ये लाइन लिखवाया था। कहाँ गया? देखो मैंने ये क्यों लिखवाया था, कोएफिशिएंट ऑफ टी। मैं चाहता तो सीधा लिख सकता था ओमेगा और के, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे मृणाली ममता बताओ? मैंने जानबूझ के लिखा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ के। तो मुझे ये बताओ इस इक्वेशन को, क्या ये वेव इक्वेशन है? तो सवाल में ऑप्शन में 0 है नहीं, तो यस ये वेव इक्वेशन है, सीधा सीधा बात, ठीक है? ये फंक्शन ऑफ AX+BT है। मुझे बताओ एक्स का, एक्स के साथ यहाँ पे कौन है कोफिशियंट ऑफ एक्स? एक्स के साथ कौन है यहाँ पे? 4 है। फोर एक्स के साथ कौन है दोस्त? 4। तो क्या मैं ओमेगा की जगह 4 ले लूं? बिल्कुल ले लेंगे, ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया 4 है। क्या टाइम के साथ कोई है? हाँ सॉरी, ओमेगा के साथ फोर जो होता है, ओमेगा तो टाइम के साथ होता है। ओमेगा 6 हो गया यार, क्या बोल रहे हैं, ओमेगा 6 होगा, ओमेगा टाइम के साथ रहता है। क्या तुम लोग बोल, ओमेगा 6। के का वैल्यू कितना हो जाएगा योगेश दादा? 4। तुम बोलोगे हाँ। अब वेलोसिटी निकाल देते, वेलोसिटी ऑफ वेव। माइनस ओमेगा का प्लस नहीं आंसर निकालेंगे क्योंकि तुमको डायरेक्शन निकालने आता है, माइनस प्लस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ये माइनस ही होगा, है ना? डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो फॉर्मूला में वन माइनस पॉइंट कभी मत फाइव लगाना क्या? 1.5 मीटर। हाँ तो ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है? 6/4, 1.5 मीटर पर सेकेंड। इजी था। तो जरा ये भी देखते हैं कि अगर ऑप्शन में जीरो यार नहीं गिवन है तो सिंपल सी बात है, इसको तो वेव इक्वेशन वेव होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर जीरो दे देता तो हम मानते कि हो सकता है नहीं भी हो, है ना, तो फिर तो हमको पता करना पड़ता। तो ये वेव इक्वेशन था, ये वेव इक्वेशन था। इजी या टफ जल्दी बताओ। चलो ठीक एक और सवाल दोस्तों, एक और सवाल yes. आ जाओ, एक और सवाल ले लेते हैं। यह नीट 2013 का योगेश का जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है उचलते कूदते, यह नीट 2013। मैं सवाल पढ़ना चाहूंगा। अ वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, वेव लेंथ 2 पाई मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/π हर्ट्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय। अरे लिखते वक्त मैं पाई लिख रहा था, फिर हटा काहे लिया वो? लिख दिया पाए अरे वो सिंबल यूज किया था उसने, फिर पाई क्यों लिखा? ना एक जगह 2π मीटर। वही तो लिखना लिखा है उन्होंने। कोई नहीं मैं लिख देता हूँ, तुम लोग डर क्यों रहे हो, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। क्या पूछा है तुमसे? किसको बोल रहे हो? तुम लोगों से बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे तुम लोग? ये बहुत इजी है, पता है ये बहुत इजी इक्वेशन, ऑप्शंस देखते ही सवाल सॉल्व कर दोगे शायद, क्वेश्चन को लिखने दो। नहीं कर पाओगे, सॉरी। सब में साइन दिया है, सब में साइन दिया है, डायरेक्शन से भी नहीं पता कर सकते। 2π x माइनस 2π t नहीं पता कर सकते डायरेक्शन से भी, देख लो ऑप्शन में लिख रहा हूं, मेरे सामने ऑप्शन है। क्या बोला है? एक्स डायरेक्शन में है, हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, वेव ट्रैवलिंग पॉजिटिव एक्स। देखो इन सारे ऑप्शन में पॉजिटिव वाला कौन सा है योगेश दादा, तो तुमको पता चलेगा ज्यादातर पॉजिटिव ही है। ऊपर पॉजिटिव दोनों तो मतलब एक पॉजिटिव ही है, ऊपर दोनों पॉजिटिव ही है, देखा ना, दोनों पॉजिटिव एक्स में है। देख रहे हो इसमें चालाकी किया, ऑप्शन में बहुत चालाकी किया है, नहीं तो बच्चे क्या करते, सिर्फ डायरेक्शन देख के बता देते हैं। हाँ ये वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला तो नेगेटिव चला गया ना, भाई, थर्ड ए और वाला तो हो बी ही नहीं। में हाँ थर्ड वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, x-2t। अब बताइए थर्ड तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म कंफर्म। सिंपल सी बात है, अपने को क्या पता करना पड़ेगा, अपने को ओमेगा पता करना पड़ेगा, और क्या पता करना पड़ेगा योगेश? हमें पता करना पड़ेगा कि, तो ओमेगा के लिए कुछ के दिया है ना, ओमेगा क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर ओमेगा होता है 2π f, तो 2π, और f का वैल्यू कितना दिया? 1/π, तो पाई से पाई कट गया, ओमेगा का वैल्यू 2, ओमेगा का वैल्यू 2 ही आएगा ना। हाँ ओमेगा का वैल्यू 2 किस में है? 2t, 2t, 2t किसी में नहीं है। हाँ में नहीं, है 2.3 ए पाई, वाला। ओमेगा का वैल्यू तो 2π f होता है, तो पाई से पाई कट गया, 2 होना चाहिए, 2t यहाँ पे दिख रहा है, तो यही होगा। चलो कोई नहीं देखते हैं, यही है ना, फिर तो यही होना चाहिए, एक ही से आ गया फिर तो। और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा भी रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, के कैलकुलेट करने का कुछ दिया है क्या? वेव लेंथ दिया है, वेव लेंथ 2π दिया, वेव लेंथ का मैंने क्या बताया था योगेश दादा? के होता है 2π/λ, 2π/λ, तो 2π/λ का वैल्यू कितना दिया है? 2π। लो भैया ये भी कट गया, के का वैल्यू 1, यही है 1, यही आंसर। इजी या बहुत इजी योगेश? बहुत इजी, ओके गजब सर। का सवाल, जोरदार सवाल।
एक और घंटा, एक और हो जाए, कठिन वाला सवाल दे देते हैं लेकिन वो होमवर्क के लिए देंगे। चलो आओ इजी वाला देते हैं, चलेगा। वो होमवर्क देंगे, वो अलग बात है सॉल्व कर नहीं पाओगे, बट ठीक है उसमें हिंट दे देंगे थोड़ा, उसके बाद कर ले जाओगे। चलो ये सवाल लो, ये AIPMT 2006 का सवाल, लिखना नहीं है, इस सवाल को पढ़ के जवाब देना है, मैं बोलता हूं सवाल सुनो, लिखना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। दोस्तों ये सवाल है AIPMT 2006 का, इसको पढ़ो और जवाब दो। मैं एक चीज क्लियर कर दूं अगर भूल गया हो तो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गॉट इट। बाकी पढ़ो पढ़ो और जवाब दो। हाँ भैया बताओ, 10:30। इसके बाद मैं AIPMT 2010 का सवाल दूंगा। आगे आंसर आया किसी का, बच्चे मैसेज क्यों करते हैं, मृणाली सर बोल रही है ऑप्शन उल्टा है फॉर्मूला। अरे मृणाली, ओमेगा A+B और B+A, क्या दिक्कत है तुमको। योगेश का आंसर सही आया, A+B और B+A में दिक्कत क्या है तुमको। वो तब का था। और मृणाली तुम बोलो, अब मुझे लगता है चैट बंद करना पड़ेगा, कल से चैट बंद रहेगा, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो बच्चों इसका आंसर, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स वेव। तो पहली बात, साउंड वेव तो ट्रांसवर्स हो ही नहीं सकता, साउंड वेव इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, गलत, ये गलत है। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, हाँ साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, लाइट वेव ट्रांसवर्स होता है, ये सही बात है, ये सही बात है। बोथ लाइट एंड साउंड यस वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है बट लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोथ लाइट एंड साउंड, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, सर आओ दूसरा एक सवाल ले लेते हैं दोस्तों, ले ले, आइए। अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं, है ना, ये लिखना है या नहीं लिखना? ये लिखना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है। सॉल्व करना है, अरे यार क्या, हम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट। इसमें लिखा है बाई वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये सवाल है दोस्त AIPMT 2010 का, ऑप्शंस पाई ए बाई टू, बहुत इजी है, मैंने बताया है, जो मैंने बोला था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 30-40 मतलब पिछले 10 साल का सवाल तुम
आराम से सॉल्व करोगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। वो फॉर्मूला लगाओ, हिंट दे दिया। क्या पूछा है हमसे? वेवलेंथ, लैम्डा पूछा है। करो करो, ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। ठीक है, बहुत अच्छा। इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं ना कि तुम जब भी आंसर देती हो गलत ही देती हो। कौन सा फॉर्मूला लगाया है तुमने? मैक्स नहीं, क्या चाहिए हमें? वीपी मैक्स इज इक्वल्स टू ए के वी वेव। ठीक है, ये फॉर्मूला वीपी मैक्स पार्टिकल का। अरे यार क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू ठीक इज इक्वल्स टू ए के वी वेव। अब इसमें क्या क्या दिया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू द मैक्सिमम। अरे भैया, अरे भैया, ये तो इजी हो गया, ये दोनों बराबर बोल रहा है तो काट दो। तो 1 बराबर ए के बोल ही दिया। ये ए के का वैल्यू पता करो, ए का वैल्यू ए ही है। के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू होता है 2 पाई लैम्डा। सॉरी, आ ही गया 2 पाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई है, सिंपल हो गया ना। ठीक हम इसमें क्या बोलते हैं? इसमें तो क्वेश्चन ही बोल दिया कि ये फॉर्मूला यूज करो। मैं तो फालतू में ही बोल रहा था, साफ साफ यही बोल रहा है। अब देखो, 2012 का सवाल है, इसी के ऊपर बेस्ड, जो मैं नहीं देने वाला, बहुत इजी है, तो हम नहीं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। एक स्ट्रिंग में, एक रस्सी में, एक धागे में करें बातें। करें, टाइम है क्या हमारे पास? हाँ सर, नहीं है, नहीं। उल्टा किया था? कब उल्टा किया था मृणाली? मैंने उल्टा कब किया था? अच्छा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल फिर ले ही लो, जब टाइम ही नहीं है तो। कुछ अच्छा सवाल लेते हैं जो सॉल्व करने में तुम लोगों को। ये सवाल ले लो, सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं ही कर दूंगा हिंट। सवाल सुनना है। अ ट्रैवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। मैं अभी इसको लिखूंगा, है ना, ये सवाल इनकम्प्लीट है। एक्स एंड वाई, मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। वाई पे जाके रुक जाना, लिखना मत 2 या 3 कुछ भी। पहले मुझे लिखने दो। अच्छा, तब हो गया होगा, गलती हुआ होगा कुछ इधर उधर। गलतियां तो होती रहती हैं। y इज इक्वल्स टू हम लिखना चाहते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 48 टी स्क्वायर प्लस 24 एक्स टी प्लस 2/4। ये इक्वेशन गिवन है, यही अपॉन सवाल है, बड़ा यही मस्त सवाल है, मस्त मजेदार सवाल। बोलोगे सर मजा दिला दिया, वो दिखा इतना यही तो बोल रहे हैं। मजेदार। जब टाइम है इसीलिए दे दिया। ऑप्शन ले लो, 4 मीटर पर सेकंड। और भी बातें करनी है। अब सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं,
ऑप्शन में तुमको कहीं जीरो दिखा, नहीं। इसका मतलब वेव इक्वेशन तो है, इसका मतलब ये वेव इक्वेशन तो है। अब कैसे है कैसे नहीं है वो आप देखो, ये वेव इक्वेशन अगर नहीं होता तो ये पहली बात वेव का जिक्र ही नहीं करता, ऊपर से ऑप्शंस में या तो कहीं जीरो कर देता। अगर वेव इक्वेशन नहीं होता तो वेव नहीं कहना चाहिए था, अगर वेव कह दिया तो जीरो कह देता वेलोसिटी, या नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ऑप्शन और क्वेश्चन साफ बता रहा है कि वेव इक्वेशन है ये। इसको जरा मैं सॉल्व करने का एक हिंट दे दूं क्या, या छोड़ दूं? हिंट आओ लेते हैं, मैं इक्वेशन को नीचे लिखता हूं। बहुत इजी है, बस तुमको उसको उस फॉर्मेट में चेंज करना है, आंसर आ जाएगा अचानक से। फॉर्मेट में चेंज करते ही आंसर आ जाएगा। क्या है? इक्वेशन है, मैं ऑरेंज कलर से लिखूं। फिर ऑप्शन ए है क्या? वाह, इतना जल्दी कैसे ले आए, एकदम सही आंसर। आपने पहले भी ये सवाल करवाया साथ में, थोड़ा सा चेंज। हाँ नहीं, कैसे करवाया? ये क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, इसी मुझे तो नहीं टाइप लग में रहा। करवाया है सर। ये नहीं करवाए होंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, है, ये ये नहीं मैंने नहीं करवाया करवाया। बिल्कुल। अब इसको जरा चेंज करना है, इस इक्वेशन को अपने को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर हम किसी जीवन में नहीं ला पाएंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी नहीं आ रहा है ना, देख रहे हो? एक काम करते हैं, सबको अगर 3 से डिवाइड कर दो तो ऐसे 3 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ये तो कर सकते हैं ना, या ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। प्लस में है, सॉरी, ये प्लस में। कर दो तो क्या आने वाला है? y इक्वल्स टू आ जाएगा ऊपर में, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 16 48 होता है ना, 16 आ जाएगा, 16 t² (8xt) प्लस 2/, अब देख लो, अब आ गया इक्वेशन। एक्स स्क्वायर 16t प्लस 8xt, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है भाई? एक्स प्लस 4t का होल स्क्वायर करके देखो तो, हाँ ए सर प्लस बी का वही होल स्क्वायर वही आ गया, ब्रूनाली। अब तो आ गया 8 + b का होल स्क्वायर, योगेश दादा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया फॉर्मेट में। तो यस सर। हम लिख देते हैं सिंपल, 4/3। अरे भैया, अब हमको बाकी चीजों से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा ना, हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 4t का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4t का होल स्क्वायर प्लस 2/3। हमको बस ये पता चल गया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी दोनों है, और ये इक्वेशन भी है। हमको अब क्या करना है, वेव पूछा है, क्या पूछा है, जी वेलोसिटी ऑफ वेव, वी वेव पूछा है। अब तो इजी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा का कोऑफिशियंट अपॉन के का कोऑफिशियंट, यही था ना, ओमेगा का कोऑफिशियंट टाइम के साथ 4 और के का कोऑफिशियंट 1, तो 4 m/s। बाकी को तो देखना ही नहीं है, इजी। पहचानना वही मैंने बताया है कि अगर ऑप्शंस दे देना तो तुम समझ जाओ ये इक्वेशन है, टाइम मत बर्बाद करना कि अच्छा ये है या नहीं, पता करते हैं ना, ये है। आइए बाकी बातें बाद में करते हैं।